दिस इज आशुद हैवाल और आप सभी देख रहे हैं टिक टीवी। आज के लेटेस्ट रिपोर्ट में है जी टीवी का सीरियल भाग्यलक्ष्मी। भाग्यलक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आपको इस डिटेल वीडियो के जरिए समझाएंगे कि किस तरह से शो को नया मोड़ देने वाला है। प्रोमो आप देख चुके हैं कि किस तरह से लक्ष्मी मुंबई में आ चुकी है। पारो ने रानो चाची के पैर भी छुए और कहा, आप तो बहुत सुंदर है, जितना माँ ने बताया था उससे ज्यादा सुंदर है। पर रानो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई है कि ये बच्ची तो बहुत प्यारी है। ऋषि लक्ष्मी तो रानो को कभी पसंद नहीं आई, लेकिन पारो तो उसे भी पसंद आ गई। अब पारो है ही इतनी प्यारी, पहले ऋषि का दिल जीत लिया, यहाँ तक कि मलिष्का का भी दिल जीत लिया और अब बारी थी दूसरी विलन यानी कि रानू की, तो उसका दिल भी जीत लिया। लेकिन इसी के साथ लक्ष्मी, शालू और पारो जो मुंबई आए हैं, रानू ने इनसे पूछ लिया है कि जाने का प्लान क्या है, क्योंकि तुम यहाँ आए हो तो ऋषि लक्ष्मी, जो ऋषि मलिष्का है वो रॉब रॉय खानदान है, उससे टकराओगे भी। तो लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, अतीत से सामना नहीं होने देंगे। तो पारो ने कहा, यहाँ पर रानू ने कहा कि कैसे नहीं होगा सामना, एक ही तो सिटी में रहते हो, आते जाते कहीं ना कहीं टकरा ही जाओगे, और एक बार अगर ये टकराव हो गया, जिंदा लक्ष्मी का सच खुल गया, तो पारो को छीनने में ओब्रॉय परिवार टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि पारो ऋषि की ही बेटी है। आदतें और दिल की जो यहाँ पर उलझन है, जो ऋषि को पहले दिन से है कि पारो को देखकर उसे लगता है कि इसमें कोई अपनापन है, ये अपना मेरा एक कनेक्शन फील होता है, इसीलिए तो वह पारो को गांव से शहर लाना चाहता है, क्या कि उसकी नज़रों से बच्ची दूर ना हो, क्योंकि एक फादर वाली फीलिंग आती है ऋषि को पारो के साथ रहकर। तो देखेंगे आप सब किस तरीके से समझाती हुई दिखेगी रानू लक्ष्मी को कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाओ, और क्या तुम एक अवार्ड के लिए मुंबई तक आ गए, अगर इस अवार्ड के जरिए तुम ओब्रॉय से मिल गए फिर क्या होगा, फिर भी तो जिंदगी तबाह होगी। अब लक्ष्मी के मन में तो यही ख्याल है। वही नीलम उसे मलिष्का को समझा रही है कि अपनी एनिवर्सरीज के लिए तुम कुछ बड़ी तैयारियां करो, क्योंकि ऋषि के साथ तुम्हारी ये एनिवर्सरी होने वाली है, सालों बाद एक साथ दिखे हो, इंटरेस्टिंग होने वाली है पूरी शो की कहानी। देखेंगे आप सब की बड़ा मोड़ जुड़ चुका है और इस कहानी में इस बड़े मोड़ का मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शो की कहानी आप सब देखेंगे, बड़ा मोड़ जुड़ेगा, किस तरीके से रानो के समझाने पर लक्ष्मी वापस जाने का फैसला लेगी, लेकिन उस मिलन का क्या जो भाग्य ने तय किया था ऋषि लक्ष्मी का, क्या यहाँ पर ऋषि लक्ष्मी मिल पाएंगे, क्या उनका मिलन हो पाएगा, या फिर चली जाएगी लक्ष्मी या अवार्ड लेकर हमेशा हमेशा के लिए दूर ऋषि से। वही कहानी में रंजीत की वापसी हो चुकी है, रंजीत लौट चुका है और फिर से वो लक्ष्मी को लेने मुंबई पहुंचा है। तो इस बार की कहानी खतरनाक जबरदस्त होगी, आपके एंटरटेनमेंट का बेहद ख्याल रखा जाएगा, एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज होगा, लेकिन क्या इन सबके बीच में ऋषि लक्ष्मी का मिलन, ये बड़ा सरप्राइज फैंस को, रश्मि के फैंस को मिल पाएगा या नहीं, इन्हें ट्रैक भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जी टीवी के सीरियल भाग्यलक्ष्मी की, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहना टिक टीवी।